शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Hi officer. Hello. Can you check it please? Yeah. Raj Malhotra, Raj Malhotra, room number 18. Please sign here. तेरे मुहावरे भी ना यार। Hey, new entrant? Yeah, that's right. Hi, Raj Malhotra. Rarak, Mandeep. Raj. Hi. Rocky. Raj. Room number 18. 18? Man, I'm your room partner. What are you saying? I'll show you. Come on. Come. Mercator may be considered as an extreme case of a cone having an apex angle of 0 degrees to the value 1 on polar stereographic, which may be considered the other extremity. How was the flight? Yeah, it was okay. एक और एक लड़का टीचर से कहता है, टीचर टीचर जो चीज मैंने नहीं की उस पे आप मुझे पनिश कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या चीज नहीं की आपने? होमवर्क नहीं की मैंने। राज को एयरफोर्स ज्वाइन किया, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हाँ। इतनी जल्दी प्लेन नहीं उड़ा सकता, समझे? अरे छोटा था जब से तब से प्लेन उड़ा रहा है। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? सीखने को टाइम नहीं लगता। He's very intelligent। हाथ का चल। ए राज, ए राज, गुलाटी खाना, गुलाटी। ए, गुलाटी, गुलाटी एयरफोर्स में नहीं चलती। अरे अभी तो उसे जहाज के पास पटकने भी नहीं देंगे, समझे? क्या मतलब है तेरा? तू क्या जानता है राज के बारे में? राज के बारे में नहीं, लेकिन एयरफोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा? क्योंकि मेरे अंकल एयरफोर्स ऑफिसर हैं, समझे? इन्हीं हरकतों के कारण तू पिट गया उस दिन राज के हाथ। आज मेरे हाथों पिटेगा तू।
जाते दीवाने, इश्क की गहराई में बेकरारी मिलती है, इश्क की तन्हाई में जो खुद को बेकरार करे, जीना दुश्वार करे। छूले कैसे दिल रुबा की बातों को, दिल भला भूले कैसे, इश्क की सौगाते हैं बेकरारी तन्हाई, याद कुछ दिल को आया आंख मेरी भर आई, जो कल का इंतजार करे जीना दुश्वार करे, ओ जो कल का इंतजार करे जीना दुश्वार करे, ओ जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार करे, ओ कितना पागल दिल कैसी ये मुश्किल है बेवजह किसी पे एतबार करे, जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार करे, ओ जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार करे। ना भाभी लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, पिछले दो महीनों से मैं पागलों की तरह तुझे कांटेक्ट करने लगी हूं। यूनिफॉर्म पहन रखी है, जवाब तक नहीं दिया। क्यों क्यों कहां से जवाब देता, दो तीन महीने बेस में नहीं था। बेस में नहीं थे, कहां थे तुम? वो बॉर्डर लाइन पे उड़ान भर रहा था। एक्साइटिंग ना खाया ना पिया ना किसी बात का होश, एक्साइटिंग। और जो जरूरी बात मुझे तुमसे करनी थी उसका क्या? वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है तो कहो, बको सबके सामने। You're right. चलो। अरे उसे कहाँ ले जा रही है? अभी अभी तो आया, कपड़े बदल ले रहे थे, कुछ अभी नहीं, अभी अभी इमरजेंसी है, तू चल अंदर मेरे साथ। अरे मेरी यूनिफॉर्म की टाई खराब। अरे यार ये बैट को संभालो। अब कहो क्या कहना था। पहले तुम कहो। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। राज मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही बात बोली है, एक काम करो पहले तुम बोलो, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, कम ऑन। ओके लेकिन मेरी बात जरा लंबी है। ओके मैं सो जाता हूँ। सारी उम्र पड़ी सोने के लिए, बोलो। अच्छा बहुत ही मजे की बात है और इतनी अजीब कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। अभी शिमला में हम लोगों ने शो किया था ना दो महीने पहले, तभी की बात है। क्या हुआ कि द शो वाज अ ग्रेट सक्सेस और शो के बाद हम लोगों ने क्या नाचा गाया, धूम धड़ाका मचाया। और फिर जो मैं घोड़े बेच के सोई तो अगली दोपहर जब आंखें खुली मैंने देखा कि सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। वैन वालों ने सोचा मैं बस में हूँ, बस वालों ने सोचा मैं वैन में हूँ और इसी कंफ्यूजन में मैं वहीं रह गई। और यार उसी दिन अगला शो था मनाली में, मेरे तो होश ही उड़ गए, मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। कि तभी मैंने देखा कि होटल के लॉन के सामने एक हेलीकॉप्टर रुका रहा है।
एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये चॉपर किसका है? मिस्टर करण सिंह धानिया का। हाँ। क्यों? नहीं बस यूं ही। थैंक यू। हेलो कैप्टन। यस। मेरा नाम काजल है, मैं आपकी बॉस की दोस्त हूँ, मिस्टर करण सिंह धानिया की। प्लीज टू मीट यू मिस काजल। एक्चुअली करण और मैं साथ मनाली जाने वाले थे, मैं शो कर रही हूँ वहाँ पे, वो शो का चीफ गेस्ट है, शायद आपको पता हो। जी हाँ। तो आप रुकने वाले हैं या? जी नहीं, मैं दिल्ली जाने वाला। तो मनाली रास्ते में है, आप मुझे छोड़ के चले जाइए। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मेरे बॉस को मालूम पड़ा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। व्हाट रबिश, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं करण से बात कर लूंगी। देखिए मिस काजल वो, अरे उल्टा तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं करण से आपकी सिफारिश करूंगी, यू कुड गेट प्रमोटेड। ठीक है? ठीक है। ओके सो आई विल ब्रिंग माय लगेज, वेट हियर। हां भागना मत। नहीं भागूंगा। और मजे की बात तो ये है कि मेरा ब्लफ काम कर गया और मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर मनाली के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में क्या देखती हूँ कि वो पायलट मुझे तिरछी नजरों से देख रहा है। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया लेकिन फिर मैंने झाड़ दिया। क्यों, पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। फिर क्या हुआ? मनाली पहुँचते ही मैंने उस कमल की ठुकाई की। कमल कौन? अरे वही जिसकी पैंट उतार के तुमने पीटा था। अच्छा लेकिन असल मजे की बात कुछ और है राज। गेस्ट अवार्ड फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन? कौन? करण सिंह धानिया। वो हेलीकॉप्टर का ओनर? अरे वो ओनर ही हेलीकॉप्टर का पायलट निकला। क्या बात कर यार है? राज मेरे तो होश ही उड़ गए जब ऑर्गेनाइजर ने उसे स्टेज पर बुलाया, वो सामने आकर खड़ा हो गया। मिस काजल, इस प्ले की डायरेक्टर भी यही है एंड आवर चीफ गेस्ट मिस्टर करण सिंह धानिया। आई होप आप मेरी सिफारिश मेरे बॉस से जरूर करेंगे। मिस्टर ईश्वर सिंघानी, दिस इज फाउल, एब्सोल्यूट ब्लेटेंट फाउल। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे? आप ये नहीं बता सकते थे कि आप ही करण सिंघानी हैं? आपने बोलने का मौका कहाँ दिया? मतलब मैंने आपके मुंह पे टेप चिपकाया था क्या? ओह माय गॉड, और मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मुझ पर एहसान किया लेकिन दिली दिल में आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था बल्कि एनीवे फॉरगेट इट, आई एम सॉरी कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ कहाँ बोला, द फैक्ट इज कि आप तो दोस्त बन गई हैं करण सिंघानिया की। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? क्या मैं आपको वापस शिमला छोड़ सकता हूँ? जी नहीं, मैं शिमला वापस जा ही नहीं रही हूँ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ देहरादून। वो तो रास्ते में ही पड़ता है। रियली? रियली? और वाकई करण मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, पर जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे उतरा तो सारे के सारे लड़के दौड़ आए, मनजीत, अनुराग, रमन, और सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। और जब मैंने करण से थैंक यू कहा तो उसने कहा अरे यहाँ तक पहुँचाया, कप कॉफी भी नहीं पिलाओगी? तब हमने मंजीव की साइकिल ली घर वापस जाने के लिए। यहाँ तो बड़ा रुआब है तुम्हारा। और नहीं तो क्या, सब दोस्त है मेरे। इनमें से कोई खास दोस्त भी है? है ना, लेकिन अभी वो एफओस की ट्रेनिंग के लिए गया है, राज नाम है उसका। हाँ, राज। He is my best friend. बचपन से दोस्ती है हमारी. He is a great guy. So simple and so unassuming. बहुत चाहता है मुझे, जान छिड़कता है मुझ पे. जब हम घर पहुँचे तो मम्मी पापा तो हक्के बक्के रह गए करण को देखकर. करण ने भी सबका दिल जीत लिया. वो सबको बहुत प्यार से मिला. उसने बीजी, मम्मी, पापा सबके पांव छुए. और तो और जीआई जो के भी. गले, गले, गले। बीजी के घुटनों के दर्द के लिए उसने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बताई, डैडी के कैंटीन के लिए लेफ्ट ओवर से बनने वाली एक इटालियन रेसिपी बताई, और मम्मी के साथ तो किचन में घुस के खुद पतोड़ियाँ बनाई। ये लीजिए अंकल। वाह बेटे वाह, इतने सालों से मैं पता ही नहीं चला कि घर के बाहर इतनी अच्छी पत्तियाँ उगती हैं। पकौड़ियों के लिए? पतौड़ियों के लिए? हाँ हाँ पकौड़ियों के लिए। अरे नहीं आंटी, पतौड़ियों के लिए, पत्तों से बनाए वो वर्ड पतौड़ी। और फिर करण के इनविटेशन पे पापा उनके घर भी जाकर आए, जब वापस लौटे तो बोले कितने बड़े लोग लेकिन कितने भले और कितने सीधे, यकीन ही नहीं हुआ। और फिर एक दिन नाराज करण मुझे अपने साथ फ्लाइंग क्लब ले गया जहाँ उसके सारे जहाज लाइन में खड़े हुए थे। बोलो कौन से जहाज में बैठोगी? वो रेड वाला क्या कहलाता है? वो सेसना 172। उसी में। चल। वो मुझे उसी बड़े जहाज में बिठाकर बादलों के पार उड़ा ले गया। क्या नजारा था तुम सोच भी नहीं सकते। सच राज, मैंने पहले कभी ऐसे बादल नहीं देखे थे। और फिर उसने कहा काजल Will you marry me? हाँ? तो काजल तुमने क्या कहा?
क्या कहती? मेरा दिल धक 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 कर रहा था। सच, उस वक्त तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने सोचा काश मेरा राज यहाँ होता तो मैं उससे पूछ के फौरन जवाब दे देती। मैंने करण से भी यही कहा। क्या कहा? कि राज से पूछे बगैर मैं हाँ या ना नहीं कह सकती। काजल, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम करण से शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम एक बार उससे मिल तो लो, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मिलोगे तो ना कह ही नहीं पाओगे, सच्ची। अच्छा, मैंने तो तुम्हें अपनी शादी की बात बता दी, अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना था। अरे मुझे भी तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। अच्छा, कब मिल सकते हैं उसे? सच? I love you, Raj. I love you. Me too. उसे आज के आज मिल लेंगे। अरे आज के आज छोड़ो, अभी क्या, अभी मिल लेंगे, चलो। क्या हुआ? फ्रेश होके आती हूँ। मिस्टर राज। करण। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। कम हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। काजल आपके बारे में अक्सर बातें करती रहती है, बहुत चाहती है आपको, बहुत मानती है। जी मैं जानता हूँ। मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, एक अच्छे घर का हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ काजल को होने नहीं दूंगा। मैं, मेरे घर वाले, हम सब काजल को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आई प्रॉमिस सर। मैं सच कहता हूँ सर, मैं काजल से बेहद प्यार करता हूँ। हालांकि वो भी मुझे चाहती है, पर मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता ना, ऑनेस्ट। अगर काजल मुझे नहीं मिली ना तो मैं तो मरी जाऊँगा। सो प्लीज 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 सर, आप मुझे अप्रूव कर दीजिए, वरना काजल मुझसे शादी नहीं करेगी। सर काजल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे कहीं ब्राइट तो नहीं कर रहे हो राज को? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। करण से अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अरे सर जी, थैंक यू सो मच। राज भाभी, राज पार्टी छोड़ के क्यों चला गया? आप जवाब क्यों नहीं देती? बोलिए, आपको मेरी कसम। अब तुम्हें क्या बताऊं? राज तुमसे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता था वो तुमसे। यूं ही खुशी के हैं। यू नो आई एम सो हैप्पी दैट। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने पहले कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार। कहने की जरूरत ही महसूस नहीं की, सोचा कि तुम्हें खुद ही दिखाई दे जाएगा। ओह गॉड, किसी ने ठीक ही कहा है, जो किताब आंखों के बहुत ही करीब होती है उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं काजल। एक बात बताओगी? क्या? अगर मैं तुमसे पहले कह देता तो क्या तुम्हारा जवाब हां होता? अब क्यों पूछ रहे हो राज? क्योंकि ये जाने बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। जानकर भी नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि मैं खुद नहीं जानती। पहले सोचा नहीं था
अब सोचूंगी तो पाप करूंगी, पर ये मत समझना कि मैं चली जाऊंगी तो मैं कुछ देखूंगी नहीं। तुम अपने आप को दुख दोगे तो मुझे भी दुख पहुंचेगा, इतना याद रखना। राज, किसी इंसान के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, और अगर कोई जाने वाले के नाम का बहाना लेकर अपनी जिंदगी तबाह करता है तो वो अपने प्रेम का ही नहीं बल्कि उसका भी अपमान करता है जो चला गया है। मैं जानती हूं तुम मेरा अपमान नहीं करोगे, अपना ख्याल रखना, संभाले रखना खुद को। गुड बाय। तुम्हारे भैया भाभी तुमसे मिलने आए हैं। I'll just come back, ना? Hi. Hi, Raj. Hey, Raj. भैया. Good to see you. Bless you. Bless you. How are you? First class, भैया. आज आप लोग यहाँ कैसे? भैया एक सेमिनार से लौट रहे थे, सोचा तुम्हें मिलते चले। एक बात बताओ अफसर, घर ना आने की कसम खा रखी है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ काम इतना रहता है कि बस। Cut the crap, हाँ? अगले वेकेशन में तुम चुपचाप घर आ जाओ, वरना तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता यार। Hey, come on भैया। अरे किरण, वो पिन्नी के डब्बे लाए थे। गाड़ी में है। मैं लेकर आता हूँ। जी। असली चीज़ गाड़ी में छोड़ा करो। तुम जरा कान खींचना इसके अच्छे तरह। जी। बैठो ना भाभी। तुम्हें पता है ना राज, तुम्हारे भैया ने अपना तबादला नैनीताल इसलिए करवा लिया ताकि तुम्हें देहरादून ना आना पड़े। मैं जानता हूँ भाभी। तुम्हें पुरानी बातें याद ना आए, तुम्हें दुख न पहुंचे, और तुम उन्हें ही दुख पहुंचा रहे हो। न घर आते हो, न मेरी चिट्ठियों का जवाब देते हो। भाभी आप भी तो एक ही बात चिट्ठी में लिखती रहती हैं, शादी कर लो शादी कर लो। मुझे नहीं करनी है शादी किसी से। भाभी अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहती हैं। प्लीज ये आंसू बंद कर दो, पहुंच लो इन्हें, सारे दोस्त देख रहे हैं मेरे। तुम पलट तो नहीं जाओगे ना राज? जिंदगी में अब और क्या पलट। राज, ये रही पिनिया। अब ये बताइए कि आपके वापस आने की डेट सेटल हुई कि नहीं? ऐसा है भैया कि 6-8 हफ्ते के लिए मैं जरा यूरोप जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सी हैरियर की ट्रेनिंग है, जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस। ऑफिसर्स प्रॉमिस।
all for today. Have a nice week.